दोस्तों आज हम आपको लाए हैं नोएडा की दादी की रसोई में, जिसको चलाते हैं मिस्टर अनूप खन्ना। अनूप खन्ना 2015 से लगातार गरीबों को 5 रुपये में भोजन करवा रहे हैं। इनको अपने अच्छे कार्यों के लिए देश की विभिन्न मंचों पे बुलाया गया है, जैसे कि हाल ही में उनको कौन बनेगा करोड़पति शो में इन्वाइट किया गया था करमवीर प्रोग्राम में। उसके अलावा वो इस मुहिम को लगातार 2015 से चला रहे हैं और गरीबों को जो है अच्छा खाना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम उनकी पूरी स्टोरी जानते हैं कि वो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और किस तरीके से वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, और वो हमारे लिए प्रेरणा है। तो हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं नोएडा के सबसे वायरल अंकल के पास, जो कि यहाँ पे जो है 5 रुपये में खाना खिलाते हैं। तो ये जो अंकल है, ये 5 रुपये में 2015 से यहाँ पे लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो अंकल नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, नमस्ते। मेरा नाम अनूप खन्ना है जी, और 21 अगस्त 2015 से हम ये दादी की रसोई चला रहे हैं। क्या बात, पहले हम लोग सड़क पे लगाते थे, तो अभी 3 साल पहले आफ्टर कोरोना फिर हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट करा, एक एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोल दिया अंदर। पहले तो सिर्फ दाल चावल अचार से ही शुरू करा था, लेकिन लोगों ने जुड़ना शुरू करा तो अब रोटी भी है, रसगुल्ले हैं, पेड़े हैं, बच्चों के लिए फ्रूटी वगैरह रखी हुई है, बहुत बढ़िया। मिठाई भी साथ में देते हैं, पनीर है, थोड़ा बहुत जो जो कर सकते हैं बच्चों के लिए, मंच वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, स्कूल के बच्चे जितने आते हैं। तो सर 5 रुपए में सर इतनी सारी चीजें कैसे आप प्रोवाइड कर देते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब अलग रहता है। सर ये 5 रुपए के कॉन्सेप्ट के लिए कैसे आपके मतलब माइंड में आया कि भाई इस तरह? भाई मैं शुरू से फ्री चीज के खिलाफ रहा हूँ। मैंने कहा किसी को कभी कोई चीज फ्री नहीं देनी चाहिए, उसका आत्मसम्मान रहना चाहिए, स्वाभिमान रहना चाहिए। तो 5 रुपए एक ऐसी फिगर है जो कि हर आदमी इजीली दे सकता है। देसी घी का खाना होता है, बासमती चावल है, क्या बात है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की चीज़, और उनको वो सारा एटमॉस्फेयर दिया जाए जो हम और आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके लेते हैं। क्या? तो यहाँ पे देखिए अंकल जो है सर्व कर रहे हैं। सर आज क्या बनाया आपने? आज ये सफेद छोले बनाए गए हैं। क्या बात है जी। तो और ये चावल कौन से रहते हैं सर? ये बासमती चावल होता है। ये सामने मैं दिखाता हूँ, एसी लगी हुई है और एसी में ये 5 रुपए का खाना यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है, ये देखिए। और ये अंकल की दादी जी है जिनके नाम पे इन्होंने रखा हुआ है दादी की रसोई। कैसा लग रहा है भोजन? अच्छा लग रहा है भोजन। तो एसी में कभी बैठ के खाया आपने खाना? एसी में खाया नहीं, दादी का रसोई में खा रहा हूं। से आ रहे मैडम? तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। क्या करते हो आप? काम ही कर रहे हैं। अच्छा जी, काम करते हो। तो खाना कैसा लगता है आपको इनका? आइए आइए मैं जी। अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। क्या बात है, घर जैसा लगता है? थोड़ा बताइए आप, जैसे राष्ट्रपति से जो पहले भी पूर्व राष्ट्रपति थे उनसे ही मिले थे, और अभी वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं उनसे भी आप मिले थे? गोविंद जी से तो ये गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे वहाँ पे इनवाइट करा गया था हमें। क्या बात है, तो राष्ट्रपति भवन, तो गोविंद जी से तो ये आपको सर्टिफिकेट दिया गया है? यस सर। क्या बात है। तो और मुर्मू जी से अभी 2 महीने पहले मुलाकात हुई। अच्छा जी, तो अभी वर्तमान राष्ट्रपति से मिल सके आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। तो ये आंटी जी है? हाँ, मेरी मिसेज है, ये भी पूरी मदद करती है हमारी। अच्छा जी, और केबीसी में गए थे, ये वहाँ के हैं। तो केबीसी में का सर का, ये अमिताभ बच्चन जी के ऑटोग्राफ से, ये रवीना टंडन जी ने। क्या बात है, तो आपको खुद दिए थे उन्होंने ऑटोग्राफ? यस सर। क्या बात है, केबीसी में जाना तो हर एक के लिए अच्छी चीज देता रहता है। तो आप जीत के आए थे? वो तो हर एक को, मतलब हमें करमवीर प्रोग्राम में बुलाया गया था। अच्छा, उसमें 12:30 हमारे जो ये साथ में पार्टनर थे जी, आधा आधा ये फुटबॉल प्लेयर ये सिखाते थे वहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो आप देश के राष्ट्रपति से मिले थे, दोनों राष्ट्रपति से मिले हो आप, पूर्व और वर्तमान। तो क्या मतलब आपकी बातचीत हुई उन लोगों से? और मतलब बहुत ऐसे ही, जो भी इस स्टेज में पहुंचता है उसके अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। बहुत सज्जन पुरुष हैं दोनों ही, कोविंद जी और मुर्मू जी, मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, और आप मिलेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि देश के राष्ट्रपति से मिलना है। तो इतना ज़्यादा इन लोगों ने मोटिवेट करा। तो सर ये आपने दादी की रसोई इसका नाम लिखा था, इसके इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? बस हम लोग बैठे हुए थे, मेरी मदर की इच्छा थी, तो बच्चों के मुंह से निकला, बोले दादी की इच्छा है, पापा दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। क्या बात, बस है। बात हुआ तो मैं दादी की रसोई शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा 12 से 2 यहीं पर मिलता हूँ, कहीं इसके अलावा जाता नहीं हूँ, और इन्विटेशन बहुत जगह से आते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट लोगों को मैं चाहता हूँ मोटिवेट वर्बली करूँ आपके माध्यम से, सब माध्यम से, कि आप भी इस काम को शुरू करें। हमने सोशल मीडिया में कुछ फोटो वायरल हुए थे जिसमें कि आपके साथ शक्ति कपूर जी थे आपके ऐसे गेटअप में। हाँ, तो उसके पीछे क्या कहानी है? बायोपिक बन रही है उसमें। अच्छा, उन्होंने बायोपिक बन रही है? हाँ जी। क्या बात है, उन्होंने मेरा रोल प्ले करा था। तो अभी मूवी बन चुकी है या अभी चल रहा है प्रोसेस में अभी? अच्छा जी, क्या अगले 2-4 महीने में? तो अंकल लगाइए थोड़ी सी प्लेट। आइए 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 आइए, आप लोग सब लोग लाइन पे लग के ही लेते हैं। आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये देखिए, मैं जो है लाइन में लग जाता हूँ, और लाइन में लग के ही मैं लूंगा वही, क्योंकि अंकल ने नियम सर से बनाए हुए सबके लिए। आइए आइए सर, आगे आइए। क्या बात है,
ये देखिए बढ़िया छोले डाले हुए। रोटी लेंगे मीठा? नहीं मीठा डाल देना आप। एक रसगुल्ला दे दो। क्या बात है, थोड़ा सा बल्कि लड्डू दे दो भाई, सबको लड्डू दे दे, लड्डू दे दे। क्या बात है जी, ये लड्डू आ गए भाई। ये देखिए लॉन्ग वाला लड्डू, इस पे यहाँ पे देखो मेरा जो है, अंदर रख लीजिएगा अंदर। अभी देखिए एसी एम्बियंस है इसके अंदर और हम इसमें बैठ के जो अपना भोजन का आनंद लेते हैं। आ यार तू बस छोड़ के, गर्मा गर्म खाना है। तो वैसे तो इस खाने का जो टेस्ट है उसको बताने की मैं उतनी वैल्यू नहीं रखता अपनी, पर फिर भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। बोलूंगा मैं घर जैसा खाना है। अंकल एक बार एड्रेस समझा। ये गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सेक्टर 29। गूगल मैप पे भी है, दादी की रसोई लिखेंगे तो यहाँ आराम से पहुँच जाएंगे। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन। क्या बात है अंकल, टाइमिंग क्या रहती है? 12 से 2 है। क्या बात है, एक बार अपने जो इस खाने के स्वाद के लिए कुछ बोल दो लोगों को। खाने का स्वाद वास्तव में ऐसा है कि आपने जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया होगा। उसके दो रीजन है, क्योंकि हमारा भोजन देने का भाव अच्छा है और आपका खाना खाने का भाव अच्छा है। और दादी माँ के जब भाव अच्छा होता है तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। मेरा खाना ही नहीं, किसी लंगर का या गुरुद्वारे का, कहीं का भी आप ऐसा खाना खाएंगे तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा।